अस्सलाम वालेकुम, राइजन टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बालों को कैसे साफ किया जाए, जो कि चेहरे पर, माथे पर या फिर बाजुओं पर, अक्सर बाजुओं पर तो होते ही हैं, और टांगों पर जो रुआ बाल होता है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। माएँ बहुत परेशान हुई थी, इस तरह के मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, एक एक को बताना मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके बच्चे हैं और उनके ये मसाइल हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमती वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं कि ये रुआ जो होता है ये अमूमन बच्चों को पैदाइशी दिनों में हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है, 1 महीने का है, तो ये रेमेडी बहुत जल्द इफेक्ट करेगी। अगर आपका बच्चा 1 साल का भी है तब भी इफेक्ट करेगी ये रेमेडी, जो है जब नरम खाल होती है बच्चे की तो उस पर इफेक्ट करती है। अगर आपका बच्चा जैसे शुरू में तो आपको नज़र आ रहा है कि कोई बाल नहीं है, बिल्कुल रुआ नहीं है, ठीक है, आप रहने दें उसे। अगर वो 1 साल का, 2 साल का हो गया, बाल बढ़ रहे हैं, या अब 6 महीने में ही बाल आपको नज़र आने लग गए, तो आपने सिंपली घर का आटा लेना है। आटा जो है आपका चक्की वाला आटा हो तो ज़्यादा बेस्ट है, जो गंदम का आटा जिसे कहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये चक्की का आटा क्या होता है, तो जी गंदम का आटा होता है। गंदम लेकर उसे अच्छे तरीके से पाउडर बना लेते हैं, ये आपको चक्की वाले ही पीस कर देंगे। वो आटा जो है आप पानी में मिलाकर उसको एक बॉल की शक्ल में दे दें, और वो आप रुआ जो है बच्चे के ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के आप उतारें, वो जो रुआ होगा आपके आटे के ऊपर लग जाएगा और वो आटा जो है आपका सारा बालों में सिमट जाएगा और सारे बाल भी उतर जाएंगे। इस तरह आपने 2-3 बार ऐसा करना है, लाइफ टाइम जो है बच्चों के बाल नहीं आएंगे। बड़ी लड़कियों के भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैडम हमारे बाल हैं, बाजू पे बाल हैं, परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं। तो देखें, ये बचपन में जो है हमारी वालदेन की छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से बड़े होकर जो वो बाल मोटे और थिक हो जाते हैं और ये फिर आगे जाके मसला करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों में ही आप, लड़की हो या लड़का हो, आप उनके बालों को साफ कर दें। जो लड़का होगा वो जवान होकर उसके आना शुरू हो जाएंगे अच्छे और ग्रोथ वाले बाल, और जो लड़की होगी उसके क्लियर हो जाएंगे, कम आएंगे, बहुत बिल्कुल साफ रहेंगे। जो आने होंगे जैसे के टांगों वगैरह पे, वो अलग बात है, लेकिन जो किस्म का गहरे और रुएंदार बाल होते हैं अक्सर हम देखते हैं लोगों के, वो नहीं होंगे, उसका परमानेंटली सोल्यूशन ये है। तो उम्मीद है आज की शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल की सूरत में आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका खवातीन का पर्सनल कोई सवाल है तो facebook.com/RisenTime पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।